सत्येन जैन की तिहाड़ जेल में मसाज मामले में बीजेपी ने उठाया मुद्दा। बीजेपी का दावा, किसी डॉक्टर से फिजियोथेरेपी नहीं, जेल में कैदी से मसाज करा रहे थे जेल मंत्री सत्येन जैन। बीजेपी के मुताबिक जेल में सत्येन जैन की मसाज कराने वाले का नाम रिंकू है और रिंकू नाबालिग से रेप के आरोप में जेल में ही बंद है। बीजेपी ने इससे पहले तिहाड़ जेल में 13, 14 और 21 सितंबर के सीसीटीवी वीडियो जारी किए थे। तिहाड़ जेल में बंद जेल मंत्री सत्येन जैन की मौज का उठाया था मुद्दा, मसाज कराने का लगाया था आरोप। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट कर केजरीवाल से किया सवाल, नाबालिग से रेप के आरोपी रिंकू से मंत्री सत्येन जैन मसाज मामले में उठाए सवाल। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने खुलासे पर किया सवाल, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हरीश खुराना ने कहा, पहले सुकेश और अब रेप का आरोपी रिंकू। अलका लांबा ने किया ट्वीट, डूब मरो केजरीवाल, बच्चों के बलात्कारियों से जेल में बंद अपने नेताओं की मालिश करवाओगे, फिर बड़ी बेशर्मी से उनके बचाव में उतर जाओगे। सत्येन जैन से जुड़े आरोपों पर बोले केजरीवाल के मंत्री गोपाल राय, 15 साल की नाकामी छिपाने के लिए बीजेपी रोज ला रही है फर्जी स्टिंग, बीजेपी भागती रहेगी, हम सवाल करते रहेंगे और 4 दिसंबर जनता देगी जवाब। बदनाम किया है बदनाम करेंगे, केजरीवाल का क्या नारा है, काम किया है काम करेंगे। सारी थीम पिछले 10 दिन से अगर आप देखें तो इसी थीम के चारों तरफ सारी राजनीति घूम रही है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया बोले, जेल में रेप के आरोपी से आप मंत्री की मसाज देकर शर्मसार है लोकतंत्र, लेकिन सीएम केजरीवाल के सामने तो बेशर्मी भी भरती है पानी, मांगा इस्तीफा। कि मुझे माफ कर दीजिए, जो संविधान की शपथ मैंने ली थी उसका पालन मैं नहीं कर पाया हूं। केजरीवाल ने भी कहा था जेल में सत्येन जैन को कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, फिजियोथेरेपी करवा रहे थे सत्येन जैन। जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येन जैन ने लगाई कोर्ट में गुहार, फलाहार और सलाद न देने का आरोप। एमसीडी चुनाव में बागियों के खिलाफ बीजेपी का एक्शन, 11 बागियों को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया। भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह को कोर्ट से मिली जमानत, बाहुबली मुन्ना सिंह के साथ डांस और फायरिंग के वायरल वीडियो केस से मिली जमानत। अक्षरा सिंह के घर के बाहर फरारी का नोटिस चिपकाती दिखी लालगंज पुलिस। श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफ्ताब ने जज के सामने कबूल किया गुनाह, कहा जो गलती हुई गुस्से में की। श्रद्धा मर्डर के आरोपी आफ्ताब की पुलिस हिरासत 4 दिन बढ़ी, पुलिस को अभी आफ्ताब से जानने हैं कई राज। श्रद्धा हत्याकांड में बड़ा खुलासा, दिल्ली पुलिस के मुताबिक आफ्ताब ने आरी और ब्लेड का किया इस्तेमाल, आफ्ताब ने गुरुग्राम की डीएलएफ फेज 3 की झाड़ियों में फेंकी थी आरी। पुलिस ने कहा बहरौली के कूड़ेदान में आफ्ताब ने फेंका था चापड़, पुलिस को छानबीन में नहीं मिले हथियार। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को उस दुकान पर लेकर गई जहां से खरीदा गया था हथियार, हार्डवेयर की ये दुकान आफ्ताब के घर से महज 250 मीटर की दूरी पर। श्रद्धा मर्डर मामले में आरोपी आफ्ताब का नार्को से पहले होगा पॉलीग्राफी टेस्ट, दिल्ली पुलिस को मिली मंजूरी। आफ्ताब का नार्को टेस्ट आज संभव, 50 सवालों की सूची तैयार। आरोपी आफ्ताब की निशानदेही पर सबूतों की तलाश जारी, पुलिस को खोपड़ी का निचला हिस्सा मिला। खोपड़ी की शिनाख्त के लिए श्रद्धा के डेंटिस्ट से बात कर रही है पुलिस, श्रद्धा ने मुंबई में ली थी रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जंगलों की छानबीन में पुलिस को 3 और हड्डियां मिली, डीएनए मिलान से सबूतों पर लगेगी मोहर। श्रद्धा मामले में ड्रग्स कनेक्शन की जांच, पुलिस ने कई लोगों से की पूछताछ। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट में लगी याचिका, सीबीआई को जांच ट्रांसफर करने की मांग। अशोक गहलोत ने श्रद्धा मर्डर मामले को बताया दुर्घटना, का एक धर्म को बना दिया गया है टारगेट। अशोक गहलोत के बयान पर बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने किया पलटवार, कहा बयान शर्मनाक। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने श्रद्धा वॉल्कर के पिता से की मुलाकात, वसई में उनके घर जाकर जाना हाल। कोई इस देश से वास्ता नहीं है। सरकारी नौकरियों को लेकर मोदी सरकार का मेगा प्लान पार्ट 2, रोजगार मेले में आज बांटे 71,000 नौकरियों के नियुक्ति पत्र। 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दिल्ली एनसीआर दौरा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर बैठक। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी, बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठिए को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के अरनिया सेक्टर में बीएसएफ की चेतावनी के बावजूद पाकिस्तानी घुसपैठिया, भारत की सीमा में हो रहा था दाखिल, लिहाजा बीएसएफ को चलानी पड़ी गोली। बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने फिर उठाया मौलवियों को 42,000 रुपए देने का मुद्दा, पुजारियों के लिए भी मासिक वेतन की मांग, मंदिरों पर दिखे पुजारियों के लिए वेतन की मांग वाले पोस्टर। खबर दिखाए जाते ही
मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर में बोर्ड लगा देना चाहिए, तो हमें अपने मंदिर और गुरुद्वारे के बाहर में बोर्ड लगा देना चाहिए। खबर दिखाई जाते हैं मौलवियों की सैलरी वाला पोस्टर हटा, शिव मंदिर प्रबंधन कमेटी ने आप पर पोस्टर हटाने का लगाया आरोप, कहा फिर लगवा रहे हैं पोस्टर। राजस्थान के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री रमेश मीणा ने फोन बजने पर बीकानेर के कलेक्टर को बैठक से निकाला बाहर, कर्मचारियों ने किया विरोध। मंत्री रमेश मीणा ने कलेक्टर को बैठक से बाहर निकालने पर दी सफाई, कहा बीकानेर के कलेक्टर लगातार फोन पर व्यस्त थे, समस्याओं से जुड़े संवाद को नजरअंदाज कर रहे थे। और जो कांग्रेस को वोट देते हैं तो उनके सामने कलेक्टर को कह रहे हैं कि भाई इनका ये काम करना है, तो ध्यान नहीं देना या क्या प्रॉब्लम थी उनकी, उन्होंने ये भी नहीं बताया, तो एक तरह से क्या है इग्नोर करना, तो बड़ी बात है। तो अधिकारियों को राजस्थान के मंत्री महेश जोशी के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन, कब्रिस्तान की उपेक्षा पर फूटा गुस्सा। यूपी के देवरिया में डिप्टी रजिस्ट्रार के दफ्तर पहुंचे डीएम, दराज खुलवाकर बोले पैसे तो नहीं है। एमपी में बीजेपी के पूर्व मंत्री हिम्मत कोठारी का वीडियो वायरल, कहा पार्टी में मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को नहीं दिया जाता है महत्व। बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर चला बुलडोजर, गोल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए तोड़े गए 5 मकान। हैदराबाद में हादसे का आया खौफनाक वीडियो, तेज रफ्तार कार की चपेट में आई 2 पत्रकार, एक की हुई मौत। सीसीटीवी में कैद हुई सड़क हादसे को साफ देखा जा सकता है, क्रॉसिंग करते वक्त तेज रफ्तार गाड़ी से बचने के लिए दोनों पत्रकारों ने वापस लौटने की कोशिश की, लेकिन रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि संभलने का मौका तक नहीं मिला। हादसे में एक पत्रकार की मौके पर मौत, जबकि दूसरी महिला पत्रकार की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में यूरिया के लिए किसानों की लंबी लाइन, धक्का मुक्की और हाथापाई की नौबत। सीहोर में खाद नहीं मिलने से नाराज किसानों ने किया चक्का जाम, सड़क पर बैठे किसान। यूपी के जौनपुर में पुलिस की गौ तस्करों से मुठभेड़, 3 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार। ग्रेटर नोएडा के चिटहेड़ा गांव में भू माफिया यशपाल तोमर की अवैध संपत्ति की कुर्की, कानपुर आयकर विभाग की टीम ने ढोल पर मुनादी करते हुए कुर्क की संपत्ति। महाराष्ट्र के अंबरनाथ बैलगाड़ी दौड़ के दौरान हुआ विवाद, सड़क पर सरेआम 2 पक्षों में ताबड़तोड़ फायरिंग, 22 राउंड गोलियां चली, 32 लोगों पर मकोका का केस दर्ज। एनसीपी कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का किया विरोध, पुणे में किया गया प्रदर्शन। आगरा एक्सप्रेसवे पर हुआ हादसा, औरैया के करीब डिवाइडर से टकराकर पलटी तेज रफ्तार बस, 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। गाजियाबाद में डबल मर्डर से फैली सनसनी, लोनी इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति की गला दबाकर हत्या। थाने में एक कार में लगी आग ने 2 ऑटो रिक्शा को चपेट में लिया, 3 गाड़ियां जली। मुरादाबाद में अस्पताल में डेंगू पीड़ित मरीज की मौत पर मचा बवाल, परिजनों ने मेडिकल स्टाफ पर लापरवाही का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के छतरपुर में खाद की कमी से किसान परेशान, खाद बिक्री केंद्र पर रात रात भर लगा रहे हैं कतार। नशे में था वैशाली में 12 लोगों को रौंदने वाला ट्रक ड्राइवर, जांच रिपोर्ट में खुलासा। बीपीएससी पेपर में लीक मामले में एक्शन, मास्टरमाइंड आनंद उर्फ गौरव के घर पर हुई कुर्की। धान खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर उग्र हुआ किसानों का प्रदर्शन, पुलिस से भिड़ा तोड़फोड़ पथराव। दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में कोच अटेंडेंट कर रहे हैं शराब की तस्करी, कानपुर जीआरपी ने शराब के साथ गिरफ्तार किए 3 कोच अटेंडेंट। दिल्ली एयरपोर्ट में मिले 16 लाख कैश, सीआईएसएफ ने किया ट्रॉली बैग से बरामद। पटना में आशा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन, सरकारी नौकरी और तनख्वाह बढ़ाने की मांग। पटना में सिलेंडर धमाके में 3 जख्मी, धमाके के साथ घर में लगी आग। ट्रैकिंग पर गए लापता शख्स की तलाश जारी, फ्रेंडशिप पीक पर चल रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। दिल्ली में यूनिवर्सिटी के एडमिशन की आई तारीख 1 दिसंबर 2022 से शुरू होंगे दाखिले। यूपी में मदरसों के सर्वे के बाद सरकार सख्त, आय के जरिए की होगी जांच, गैर मान्यता प्राप्त एक्शन का खाका। केरल के राज्यपाल का राज्य सरकार पर निशाना, बोले चांसलर के पद से नहीं दूंगा इस्तीफा। राजीव गांधी हत्याकांड के 6 दोषियों की रिहाई वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला। गाजीपुर में गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति सीज, यूपी सरकार ने 4,40,00,000 की संपत्ति पर जड़ा ताला। यूपी के बाराबंकी में सड़क सुरक्षा को लेकर अनूठी पहल, पुलिस वालों के साथ रोड पर उतरे यमराज, कार और बाइक सवारों को पढ़ाया नियमों का पाठ।
उत्तराखंड में मजबूत होगा आपदा से निपटने का तंत्र। राज्य को 174 नए वेदर स्टेशन से मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी। रायबरेली में चलती कार में लगी आग, बाल बाल बच्चे कार सवार। गुंडाई के पहले केस में नपे 3 बदमाश, पिटाई का वीडियो वायरल करते हुए पुलिस ने दबोचा। पेट्रोल पंप पर सरेआम डकैती, 4 डकैतों ने चाकू दिखाकर 2,00,000 लेकर भागे। राजस्थान के जोधपुर में एक शख्स ने छीना चालान मशीन, हेलमेट ना होने पर पुलिस के रोके जाने से नाराज था बाइकर। अनाथ बेटियों के लिए फंड जुटाने के फ्रॉड का खुलासा, 7 अनाथ बेटियों के लिए 2 करोड़ से ज्यादा की हुई क्राउड फंडिंग, आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के उदयपुर में एक ही परिवार के 6 व्यक्ति की लाश मिलने से हड़कंप, पुलिस मामले की जांच कर रही। मेरठ में महिंद्रा कंपनी के कर्मचारी के घर 5,00,000 की चोरी, दरवाजे का ताला तोड़ चोरों ने दिया घटना को अंजाम। कौशाम्बी में पति ने अवैध संबंध के शक में पत्नी की हत्या की, पुलिस ने आरोपी पति को भेजा जेल। मध्य प्रदेश के खरगोन में मामूली विवाद में पति ने की पत्नी की हत्या, आरोपी पति को गिरफ्तार कर पुलिस ने भेजा जेल। बागपत के जंगल में एक युवक की लाश मिलने से मचा हड़कंप, पुलिस लाश की शिनाख्त में जुटी। रीवा के जंगल में नरकंकाल मिलने से इलाके में मचा हड़कंप, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। यूपी के बांदा में बस अनियंत्रित होकर पलटी, हादसे में एक महिला समेत 4 घायल। उधम सिंह नगर में एक व्यक्ति को पेड़ से बांधने के बाद उसकी पत्नी और भतीजे के साथ गैंग रेप, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में सांसद के घर चोरी, अलमारी में कई महंगे जेवरात लेकर चोर फरार। राजस्थान के भरतपुर में एक विवाहित महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। यूपी की एटीएस टीम को मिली बड़ी सफलता, आजमगढ़ से 2 अवैध हथियार बनाने वाले गिरफ्तार। पंजाब से गुजरात ले जा रहे 70,00,000 की शराब जब्त, 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के खगड़िया में तेज रफ्तार से आ रहा वाहन ने ससुर और दामाद को कुचला, अपने पिता का दाह संस्कार करके घर लौट रहा था युवक। बिहार के आरा में प्रॉपर्टी डीलर हत्याकांड मामले में पुलिस को मिली सफलता, 5 आरोपी गिरफ्तार। तेलंगाना के वानापर्थी में भीषण सड़क हादसा, बस गन्ने से लदे ट्रैक्टर में जा घुसी, हादसे में 3 की मौत, 10 लोग घायल। नेपियर में खेला जा रहा T20 सीरीज का 3रा मुकाबला, न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। मैच 3 रन पर पवेलियन लौटे ओपनर एलन। 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे टीम इंडिया, पहला T20 बारिश की भेंट चढ़ गया। दूसरे मैच में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को दी थी शिकस्त। न्यूजीलैंड से आज का मुकाबला जीतने पर सीरीज होगी टीम इंडिया के नाम, हार्दिक पांड्या की अगुवाई से टीम का हौसला बुलंद। आज के मैच में नहीं खेल रहे न्यूजीलैंड के कप्तान विलियमसन, टिम साउदी के हाथों में कमान। नारायण जगदीशन ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ थोके 270 रन। चेन्नई सुपर किंग्स ने जगदीशन से तोड़ा था नाता।